नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभिषेक संगीत यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अभिषेक, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आरत श्री रामायण जी की इस आरती का आप लोगों को नोटेशन बताऊंगा कि आप लोग इस आरती को बड़े ही आसान तरीके से हारमोनियम पे कैसे बजा सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही कम समय में। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और अच्छे से समझोगे तो आप लोग बड़े ही आसान तरीके से इस आरती को हारमोनियम पे बजाना सीख जाओ। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं कोई दूसरा वीडियो डालूंगा तो आप सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आप वीडियो शेयर करते हैं। इस आरती को हम आपको पहली काली से बता रहा हूँ सी हिसाब से। सबसे पहले एक बार देख लो कि इस पूरे आरती में कौन कौन से स्वर लगेंगे, यानी कि आरती कितने स्वरों में बजेगी, ताकि आपको बजाने में कोई दिक्कत ना हो। सा लगेगा, शुद्ध रे लगेगा, गा लगेगा, शुद्ध मा लगेगा, तीव्र मा लगेगा, पा लगेगा, और मंत्र सप्तक में शुद्ध नी। बस इतने ही स्वरों में पूरी आरती बजेगी। तो सबसे पहले देखेंगे आरती का स्थाई का पार्ट, उसके बाद देखेंगे अंतरे का पार्ट। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलिते ललित सियती। तो सबसे पहले इसका नोटेशन देखेंगे। इस आरती की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? इस आरती की स्टार्टिंग होगी आपकी शुद्ध गा से। देखना, आरत श्री रा, आरत श्री रा, इतना कैसे हो जाओगे? पहले इसका नोटेशन देखेंगे कहाँ से, गा से। आरत श्री रा गा रे गा मा गा रे नी सा गा रे गा मा गा रे नी सा आरती श्री रा। अब यहाँ पे मैंने रामायण का जो रा है, रा को मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि रा आपका खत्म हो गया था सा पे, और जब रा को अलग कर देंगे रामायण से तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा मायण। तो जो मायण शब्द है ये कहाँ से शुरू होगा? ये शुरू होगा आपका गा से। मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग किया है, लेकिन जब आप बजाओगे तो दोनों को एक साथ में ही मिला करके बजाओगे। कैसे? पहले एक बार इसको देख लो अच्छे से। मायण जी की, अब इसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं देखना। गा रे गा गा मा पा मा गा मायण जी की। अब इन दोनों को एक साथ में देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बजाने में कोई दिक्कत ना हो। देखना, आरती श्री रामायण जी की। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है कीरति कलिते ललित सियती की। तो ये लाइन सेम एक ही प्रकार से बजेगी। जो जो नोटेशन उसमें लगे थे आरत श्री रामायण जी की में, वही नोटेशन इसमें भी लगेंगे। एक बार दोनों लाइनों को एक साथ में देख लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आरती श्री रामायण जी कीरति कलिते ललित सियती की। तो ये था इस आरती का अस्थाई का पार्ट। अब देखेंगे इसके आंतरे का पार्ट। आंतरे के पार्ट को कैसे बजाओगे? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो और एक अच्छी सी कमेंट भी कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लो, ताकि जब मैं कोई दूसरा वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आओ देखते हैं इसका आंतरा। गावते ब्रह्मा दिक् मुनि नारद। इस लाइन में कौन कौन से स्वर लग रहे हैं ध्यान से देखना। सा गा मा पा पा मा मा पा मा गा। अब इसमें दोनों मा का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें शुद्ध मा भी लग रहा है, तीव्र मा भी लग रहा है। एक बार दोबारा देखें। सा गा मा पा पा मा मा पा मा गा गावते ब्रह्मा दिक् मुनि नारद। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
अब ये लाइन सेम एक ही प्रकार से बजेगी, गावत ब्रह्मा दिक्मुन नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। ये दोनों लाइनें सेम एक ही प्रकार से बजेंगी, साइड नोट वही लगेंगे। वाल्मीकि विज्ञान विशारद सा ग म प प म म प म ग वाल्मीकि विज्ञान विशारद। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद है सुख सन का देश से अरुशारद बरन पवन सुत कीर्तिनि के। सुख सनकाद शेष अरुशारद वर्ण पवन सुत कीर्तिनि की। ये जो लाइनें हैं ये लाइनें सेम एक ही प्रकार से बजेंगे, जैसे आपने बजाया था आरस श्री रामायण जी की कीरत करी ललित सी पी की, जैसे आपने ये बजाया था उसी प्रकार से ये भी बजेंगे। और इसके आगे जितनी भी लाइनें अंतरे हैं सारे अंतरे लाइनें सेम इसी प्रकार से बजेंगे, इसलिए मैंने आपको इसका खाली एक ही अंतरा बताया हुआ हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वॉल पे जरूर प्रेस कर लो, ताकि जब मैं कोई दूसरा वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।